नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक बीमारी हर घर में, हर व्यक्ति को लगभग ये अपने चपेट में ले रही है। इसे बोलते हैं शुगर, डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह भी बोलते हैं, मधुरोग भी बोलते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है कि आज की डेट में हमारा खान पान, शारीरिक परिश्रम ना करना, साथ ही दिमाग पे बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाना, मुख्य कारण शुगर, मधुमेह और डायबिटीज का यही है। तो प्यारे दर्शकों, पेनक्रियाज का सही सिस्टम ना होना शुगर को बढ़ावा देता है, और शुगर अगर जिस व्यक्ति को हो गया तो वो सबसे पहले डिप्रेशन में चला जाता है, मुझे शुगर हो गई। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, कोई भी बीमारी हो उसका ज्यादा चिंतन ना करें, जितना आप चिंतन मुक्त रहेंगे उतना सही रहेगा। और शुगर की आज मैं एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूं, दवा मतलब ये मत समझिए कोई जड़ी बूटी, इलाज, जिसमें आपको कोई दवा ना खाना है, ना लगाना है, ना पीना है, सिर्फ एक चप्पल से आपका, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हंसिए मत हंसिए मत, ऐसा कुछ नहीं कि एक चप्पल से, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी गलती भला मैं कब कर सकता हूं। मैं तो ये बता रहा हूं कि आप अगर चप्पल जूता पहनते हैं तो उसमें एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपको करना होगा, और जब ये छोटी सी प्रतिक्रिया आप करेंगे तो इसका परिणाम आपको इतना बढ़िया मिलेगा, जो आप इतनी इतनी दवाएं खाते हैं जानते हैं इसका कोई इलाज नहीं। कुछ लगते हैं शुगर गारंटी से खत्म, अरे शुगर बाबा खत्म हो जाएगी तो आदमी कहां रहेगा, शुगर होना चाहिए, शुगर रहती है हर व्यक्ति को, बढ़ जाती तो वही बीमारी होती है, डेंजर जोन में नहीं जाना चाहिए। तो इतनी इतनी दवा खाना क्या होता है, ज्यादा दवा खाना आपको लीवर डैमेज कर देगा, ठीक है, आप लीवर के साथ गुर्दे की बीमारी हो जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आंखों पर इसका प्रभाव पड़ता है, और आपको खूब ज्यादा मीठा खाने का मन होगा, पुरुषों को सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो आज मैं जो बता रहा हूं इस बात की मेरी गारंटी है, मैं अपना समझकर आपको बता रहा हूं, ये कोई यूट्यूब बनाने के लिए नहीं कि प्रसिद्धि पाने के लिए, इसको हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि आप इसे करिए, और करने के बाद आप रिजल्ट देखना, तब बताना, जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब ये उपाय, भले मत मेरे चैनल को बताना कि ये चैनल ने बताया, आप खुद बता देना कि मेरा ये उपाय करिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हों, सुखी हों, उनका परिवार स्वस्थ रहे, यही कामना मैं चाहता हूं। तो चलिए मैं बताता हूं, सबसे पहले आज मैं चप्पल उठा रहा हूं, छू रहा हूं, ये चप्पल देख रहे हैं, इस तरीके की चप्पल हो तो आपके, देखिए यहां अंगूठा लगता है, यहां आपके उंगलियां आती हैं, तो इस चप्पल में किस जगह पे आपको एक उरद का दाना लेना, मेरे पास उरद नहीं है इस समय, लेकिन मैं एक छोटा सा कंकड़ लिया हूं तो बता रहा हूं, इस पॉइंट पे उरद को रख कर, एक सेलो टेप आती है, टेप छोटी सी, उसको ऐसे चिपका देना है इस तरीके से, वो चाहे बिजली वाले नहीं रखते काले रंग की टेप तार वार चिपकाने के लिए, वो सबसे बढ़िया रहती। तो मैं एक चित्र बनाया हूं, उस माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एड़ी है, तो अंगूठे और अंगूठे बगल वाली उंगली का थोड़ा सा हिस्सा जो नीचे होता है, इसी पॉइंट पे आप काला उरद रखकर ऊपर से टेप चिपका देंगे, इसी प्रकार इस पॉइंट पर एड़ी से यानी अंगूठे से चार अंगुल ऐसे देखना, चार अंगुल के बाद जो हिस्सा आएगा वहां पर कॉर्नर पे आपको उरद रखकर चिपका देना, फिर यहाँ पे नीचे से तीन अंगुल, एड़ी से यहां से ऐसे नापोगे तीन अंगुल आएगा, इस पॉइंट पे एक उरद रखकर चिपका देंगे एड़ी में अपने, या इसी को आप चप्पल पे एक निशान बना लीजिए, एड़ी पे रखने के बाद एक चप्पल पे निशान बना लीजिए, जूते पे उस पे लगा दीजिए। कहने का मतलब है कि आप क्या जो एड़ी है उसके पॉइंट पर ये चिपक जाए, उसके बाद जब आप चप्पल जूता पहनेंगे तो ये नस होती उस पर ये दबाव बनाता है,
चलते उठते पुसिंग करता रहता है। ये आप कम से कम 3 महीने करिए, 15 दिन में आप अपनी शुगर नपवा लेना कि क्या हाल है। कम से कम इस चप्पल को पहनकर 1000 कदम चलना बहुत जरूरी है। जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, नहीं चल सकते हैं, बेड पे हैं, अवस्था बहुत ज्यादा उनकी दयनीय हो चुकी है, उनके घर के लोग अंगूठे में इसी अपने अंगूठे में उरद के 2-4 पीस लगा के टेप मार दे दोनों अंगूठे में, और उनकी एड़ियों को लेके जो मैंने पॉइंट बताया है ये पॉइंट पे 100 बार इस पर 100 बार इस पर 100 बार इस पर फिर 100 बार इस पर 100 बार इस पर 100 बार इस पर ऐसे 3 राउंड 100-100 की 3 सुबह और शाम को देते रहें। आप देखेंगे वो रोगी भी स्वस्थ होने लगेगा, और स्वस्थ होने लगे तो इसको मुकर्रर आप करते रहिए, बराबर करते रहिए। साथ में आपको बता दें थोड़ा सा परिश्रम करिए और कुछ ना कुछ हाथ पांव का एक्टिवेट चालू रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आपको शुगर वाली चीज़ों को से परहेज करना है, सेंधा नमक का प्रयोग करें अधिकतर, और नीम की पत्ती होती ना, नीम की पत्ती को लाकर उसका जूस निकाल लें और जूस में मेथी को भिगो दें, 5 दिन पड़ी रहे फिर सुखा लें। इस मेथी को पीस कर रख लें, 1 चम्मच मेथी 200 ग्राम पानी में डालकर उबाल लें, चाय जैसा इसको खाली पेट पिए। ये तो हमने बता दिया कि अगर इसको भी मेथी वाला भी अगर साथ ले लेते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ इसी से आपका शुगर 3 महीने बाद बोलेगा अच्छा तो हम चलते हैं, फिर आपको ये नहीं कहना फिर कब मिलोगे, ये नहीं बोलना है, ठीक है। कहता जाओ जाओ तुम चाहे जाओ, चले जाओ, जिंदगी में मत आना भाई, मेरे परिवार में मत आना, मेरे बच्चों पास मत आना, मेरे किसी जानने वाले पास मत आना, मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान में ही मत आओ, ये बोलना है। ये शुगर का बहुत ही अच्छा इलाज है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको करिए, लाभ उठाइए, अति उत्तम है, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। पैसा कमाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, इस शरीर को ये भी भगवान ने अगर आपको जो पंच पिंड दिए हैं इनकी अगर आपने पूजा नहीं की, इनकी भी रख रखाव इनको जिम्मेदारियों से नहीं समझा, तब भी आपको पाप पड़ता है। ये जीव है, भगवान ने शरीर दिया किस लिए, किसका ध्यान रखो, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, ग्रस्त आश्रम में रहकर जो एक आपकी जिम्मेदारी उसको निभाओ। पैसा कमाए पड़े हो और शाम को आए खाए और कुकुर जैसा सो गए, कुछ नहीं। नियम जिस प्रकार से आप पैसा कमाने में लगाते हैं उसी प्रकार अपनी बॉडी को एक्सरसाइज, अच्छी चीज खाना, ये जो आजकल ये सब उल्टी सीधी चीजें कचड़ा चीजें हैं इनको बंद कर दीजिए, बढ़िया फाइबर युक्त भोजन करिए, जैविक भोजन करिए, आनंद आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका तो मैं दिल से स्वागत करता हूँ और माता भगवती से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोगी काया रहें, और हमारी सभी वीडियो देखना अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक के साथ शेयर जरूर करना। जय माता।